आज मैंने जो यूज़ किए हैं वो यही वाले मार्कर अपना थे, पॉइंटर कंपनी आपने देख लिया, डॉलर की कंपनी है ये। तो जितने भी लोग हैं जो FSC में हैं, मैट्रिक में हैं, जो पॉइंटर का यूज़ करते हैं, तो वो इस तरह यूज़ करना है आज। ये मैंने आपको दिखा दिया है कि यही पॉइंटर थे जिससे मैंने ये आपके लिए एक कुछ अल्फाज हैं वो मैंने लिखे हैं। बॉल पर अपना पॉइंटर के साथ लिखेंगे, अपना सॉफ्ट हैंड से लिखना है आपने। मैंने पहले भी आपको बताया कि इसके ऊपर दबाव नहीं डालना, ठीक है? बिल्कुल पता ही ना चले पेपर को कि उसके ऊपर लिखा जा रहा है, ठीक है? गौर से देखिएगा, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड, पेन के ऊपर दबाव नहीं है। जंगल बेले, आगे एक लफ्ज़ है नदी नाले, ठीक है? इसके आगे लिखते हैं समंदर, ओके? इस तरह आपने सॉफ्ट हैंड से लिखना है। एक और मार्कर यूज़ करते हैं, इसके साथ लिख के देखते हैं। ये कत वाला भी आप लगा सकते हैं, कत वाले पॉइंटर का यूज़ भी कर सकते हैं आप। कोई मज़मून वगैरह लिख रहे होते हैं तो उसमें ठीक है। रोज़नामा, जंग, ठीक है?
तो आज मैंने जो यूज़ किए हैं वो यही वाले मार्कर अपना थे पॉइंटर कंपनी आपने देख लिया, डॉलर की कंपनी है ये। तो जितने भी लोग हैं जो FSC में हैं, मैट्रिक में हैं, जो पॉइंटर का यूज़ करते हैं, तो वो इस तरह यूज़ करना है। आज ये मैंने आपको दिखा दिया है कि यही पॉइंटर थे जिससे मैंने ये आपके लिए एक कुछ अल्फाज हैं वो मैंने लिखे हैं। आपने भी इसी तरह अपने पेपर में जो है ना खूबसूरत तरीके से लिखना है। बहुत लोगों का ये कहना था कि हमें पॉइंटर से हमारी राइटिंग नहीं बन पाती, तो अब आप देख लेंगे किस तरह ये मैंने लिखा है। जितने भी लेफ्ट हैंडर हैं वो मुझे फॉलो करेंगे क्योंकि मैंने ये लेफ्ट हैंड से लिखा है सारा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ। खुदा हाफिज़।